आप देख सकते हो हम आ चुके हैं और ये ओहो क्या नज़ारा है, देखिए ओहो व्हाट अ ब्यूटी। देख सकते हो सूरज सूरज हुआ मथम, चांद जलने लगा। ये दोस्तों देख सकते हो ये कुछ रास्ते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब दोस्तों यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है वो हर बार बदलता रहता है, तो इस बार भी बदला हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया। लेकिन यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही स्पेशल है, और यहाँ लाखों राजा महाराजा ने शासन किया। ये किला जो है महाभारत काल से भी पहले का किला है, और इसका जिक्र महाभारत में भी दिया गया है। तो उम्मीद ये है कि आपको ये बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। यहाँ कुछ स्पेशल प्रजातियाँ हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चिरोल का पेड़ है, और ये जो है ये दुधी का है, दुधी है तो ये सॉरी ये अड़ूसा है, अड़ूसो, और ये जड़ी बूटियों का काम आता है। ये बहुत ही इससे इम्पोर्टेंट जड़ी बूटियाँ बनती हैं, बहुत ही तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए इन से दवा बनती है, और इतना मात्रा में यहाँ बहुत भयंकर मात्रा में खड़ा हुआ है। तो दोस्तों प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संरक्षित करें, फॉरेस्ट को बचाएं, और कुछ पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि सबके कुछ थोड़ा करने से बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। आज पर्यावरण दिवस 5 जून है और हम यहाँ आए हुए हैं, और आप देख सकते हो ये एक सुंदर कलाकृति, ये और ये देख रहे हो आप, यहाँ राजा महाराजा का बंगला है दोस्तों, ये पुराना वाला बंगला है, और ये आप सोच सकते हो कि यहाँ सुंदर कितना सुंदर लगता होगा जब यहाँ लोग रहते होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को घमंड है कि उनके पास बहुत कुछ है, तो आप देखिए एक राजा के पास कितना बड़ा किला था और उसके पास आज कुछ भी नहीं है, उसके वंशज बतानी है कहाँ है। तो जो घमंड वाली बात है दोस्तों, उसको थोड़ा सा नीचे रख के और उससे ऊपर उठिए, थोड़ा सा लोगों में बैठिए उठिए। आप देख सकते हो क्या सुंदर जगह है, ये देखिए, एक टूट भी, ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर जगह है, और हम यहाँ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। उधर आठ को नवाबड़ी है, उधर तेंदुए का कुछ मूवमेंट है, तो लोगों द्वारा कहा गया कि साथ उधर मत जाओ, तो तेंदुआ रहता है। मैं कहा भैया मैं उस तेंदुए को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मैं